बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश अब कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। वहीं राम मंदिर में सपा कार्यकर्ताओं के नहीं बुलाने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राम मंदिर पूरे राष्ट्र का मंदिर है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा किसे बुलाना है और किसे नहीं। केशव मौर्य ने कहा कि राम भक्तों के हत्यारों को मंदिर पहुंचाने का दुख है। डिप्टी सीएम बदायूं पहुंचे थे, जहां उन्होंने कस्बा विलसी में एक जनसभा को संबोधित किया और सम्राट अशोक की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम 19 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आए। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा, ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है, और जो आना चाहेगा वो आवे, और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं, जरा वो आगे बढ़े देखें।